Hey guys, this is CA Monish Vora, your educator for CA Foundation Economics and BCA. And दोस्तों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्प्रिंट रिविजन सीरीज फॉर CA Foundation December 23 स्टूडेंट्स. हम जो है इस स्प्रिंट सेशन में 90 सेकंड्स के अंदर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं. सो आज का टॉपिक है मार्जिनल प्रोडक्ट वर्सेस मार्जिनल कॉस्ट वर्सेस मार्जिनल रेवेन्यू. पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं मार्जिनल प्रोडक्ट की, इकोनॉमिक्स चैप्टर में 3 यूनिट 1 थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में इसकी बात होती है कि हम जब शॉर्ट टर्म में होते हैं जिसमें हमारा लेबर वेरिएबल होता है, कैपिटल फिक्स होता है, उस समय जब मैं 1 यूनिट ऑफ लेबर या मेरे वेरिएबल इनपुट के क्वांटिटी को बढ़ाता हूं तो उसके वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ता है, यह होता है मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट. सेकेंड बात आती है मार्जिनल कॉस्ट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यूनिट 2 में थियरी ऑफ कॉस्ट में. इसमें बात आती है कि एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट हमारा कितना बढ़ेगा, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट. इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस या चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस. एंड थर्ड चीज होती है मार्जिनल रेवेन्यू, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में, मार्केट्स वाले चैप्टर में. उसमें बात आती है कि जब हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, अब उसको जब मैं बेच रहा हूं तो एक एडिशनल यूनिट बेच के हमारा टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. सो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड. सो थैंक यू सो मच गाइस.